गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब आज शुभ दिन है, समझ लीजिए अपनी तरफ से, जो लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज देख लीजिए लोक सेवा आयोग की तरफ से अधियाचन तो काफ़ी दिन पहले ही जा चुका था, बट जो हम लोग नोटिस का मतलब नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे वो आज आ गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबको ये बताऊँगा कि नोटिफिकेशन तो मतलब कल आ ही रहा है, पद आप लोगों को पता ही है कितने हो गए हैं, प्लस क्या क्या अर्हताएँ हैं और क्या क्या आपके पास जरूरी चीज़ें होनी चाहिए जिसके बिना आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो अगर नहीं होगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लगभग 450 पद तक हो जाने चाहिए जब तक नोटिफिकेशन मतलब वैकेंसी पूरी हो, पर अभी फाइनली जो है वो 411 पद दिए हुए हैं, ठीक है, 411 पद दिए हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जिन लोगों ने OTR नहीं फिल किया है, बहरहाल OTR की साइट 2-3 दिन से नहीं चल रही, मेरे कई सब्सक्राइबर जो है उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि भैया OTR नहीं भरा सर, OTR कैसे भर रहे हैं, OTR भर नहीं रहा, साइट नहीं चल रहा। तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, OTR को जो है राइट नाइट में जो है भरने की कोशिश करिए कि OTR जो है वो रात में भरा जाए, क्योंकि रात में जब आप भरेंगे OTR तो हो सकता है साइट चली, क्योंकि साइट तो वैसे भी धीमी है UPSC की, बट हाँ रात में भरेंगे तो 100% हो जाएगा। अब संक्षिप्त विज्ञापन तो कल आएगा हमारा 9 तारीख को, बट हाँ देखिए 411 पद की रिक्तियाँ हैं, ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ घट बढ़ सकती है, बहरहाल घटती तो नहीं है पर बढ़ती हैं लगभग, पर 411 मतलब मान के चलिए आप अभी अपने दिमाग में मान के 411 ही चल के चलिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे बढ़ के कुछ लोग तो कह रहे हैं 500 तक हो जाएंगी, पर मुझे लग नहीं रहा 450 मैक्स टू मैक्स होगा, जहाँ तक 500 हो जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और हाँ ये 411 है तो मान के चलिए इसके 15 गुना लड़के बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, तो 400 मतलब लगभग 6000 समथिंग लड़के जो होंगे वो मेंस के लिए जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप लोगों को जितने ही फॉर्म पड़ेंगे उसमें से आपको 6000 के अंदर आना ही आना है, 6000 के अंदर आएंगे तब आप मेंस के लिए फाइट कर पाएंगे। अब OTR में क्या करना है, OTR पहले तो जिन लोगों ने नहीं भरा वो भर ही लें OTR, क्योंकि बिना OTR के फॉर्म तो भर नहीं पाएगा। और उसके जैसे अर्हताएँ वगैरह हैं विज्ञापन में वो तो अलग दिया ही होगा विज्ञापन जब आएगा, उसके अलावा बेसिक बेसिक तो पता ही, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 साल के ऊपर होना चाहिए, ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, समकक्ष इन द सेंस मतलब कई GO आ गया था लास्ट ईयर ही तो उसमें कई सारी DO हुए हैं वो आपके पास होने ही होने चाहिए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मेरी एज कैसे, मैं कितने एज का हूँ, मैं भर पाऊँगा नहीं भर पाऊँगा, सीधा सीधा हिसाब किताब है, जो लोग 1 जुलाई 2023 से मतलब 23 तक जो हैं 21 वर्ष के हो चुके हैं, मतलब 21 वर्ष मतलब ये मान के चलिए कि जिनका जन्म 83 से 2002 के बीच, देखिए लिखा हुआ 1883 से 1 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है, ये लोग अगर 2 दिन भी एक्स्ट्रा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का जन्मदिन 3 तारीख या 4 तारीख को पड़ता है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ तक अगर कोई इस क्राइटेरिया में फिक्स्ड है तो ही फॉर्म भर सकता है, और बाकी जो जानते हैं जो हैंडीकैप वगैरह रहते हैं उनके लिए 55 साल तक की एज लिमिट है। तो आप इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, अगर पहले तो OTR अगर जिन्होंने नहीं भरा वो OTR बहुत ही अच्छे से भरें, बहुत ही सोच समझ कर बिना गलती किए, क्योंकि OTR जब भरते हैं उसमें 3 से 4 बार ही शायद 4 या 5 बार मेरे ख्याल से उसको आप मतलब दोबारा करेक्शन कर सकते हैं, बाकी उसके बाद करेक्शन नहीं होता है। तो कोशिश करिए OTR को बहुत ध्यान से भरिएगा, साइट नहीं चल रही है पेशेंस रखिए, रात में भरिए, लेट नाइट भरिए, हो सकता है मॉर्निंग में भरिए, मेरा तो भर चुका है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मैं कल परसों खोल लिया था UPSC की साइट तो OTR वगैरह उसमें मतलब बार बार OTR खोलने मतलब लॉगिन होने में ही दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगा कि OTR भर नहीं रहा होगा इस समय। और कई लोगों ने सब्सक्राइब जो किया, जो चैनल सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि सर OTR भर नहीं पा रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और आज हम लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है, जो लोग अभी भी प्रिपरेशन में मतलब उनको लगता है कि अभी भी हम करके कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा लगन और मेहनत के साथ अच्छे से मेहनत और अपनी पूरी शिद्दत से करेंगे तो होगा नहीं होगा वो तो अलग चीज़ है, बट कम से कम आपको ये तो लगेगा ही कि हाँ मैंने पढ़ाई कुछ तो सीखा मैंने मतलब। तो जो लोग अगर नए भी हैं तैयारी में वो लोग भी मतलब 100% इसको फॉर्म भरें, और अगर उनको लगता है कि हम इस तरह की तैयारी कर सकते हैं वो 100% मतलब तैयारी को अपनी मतलब वो करें, और साथ में मेरे साथ तैयारी करिए। तो मेरा व्लॉग आप देख ही रहे हैं, मैं डेली डेली अपलोड करता रहता हूँ, डेली हर 2 से 3 दिन आ जाता है, और उसके बाद मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी लाने वाला हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर लें तो हो जाएगा, तो उसका स्ट्रेटजी वीडियो मैं देखिए आज या कल मैं अपलोड करवा दूँ कर दूँगा। और मैं उसके साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वैसे भी आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और बस अब हम लोगों का समय बिल्कुल ये समझ लीजिए 1-1 मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी तरीके से
इस वैकेंसी का मतलब ये समझिए निकालना ही निकालना है। और हाँ, 1 महीने का इसमें टाइम है, आप जान ही रहे हैं कि 19-10, 9-10 से शुरू हो रही है, तो 9-11 तक मतलब इस चलेगी चलेगी। अब इसमें इंतज़ार मत करिएगा कि आखिरी में भर लें, शुरू में भर लें। जो जो मतलब अगर OTR भर जाता है तो तुरंत का तुरंत फॉर्म भरिए, और इसको बहुत ध्यान से भरिए। मतलब फॉर्म जब भरिएगा OTR में, बार बार कह रहा हूँ उस बात को, ध्यान से भरिए, क्योंकि OTR में गलती होगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉर्म जो लोग कहते हैं ना, मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया, और फॉर्म ऐसे ही लोगों कैंसिल होता है जो लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज हो सकता है स्ट्रेटजी वीडियो में कोई आज वीडियो में अपलोड कर दूँगा आफ्टरनून तक या शाम तक, जो भी होगा। तो चलिए मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।